नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज़ में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। डीएलएड परीक्षा की तारीखों का ऐलान, बिहार बोर्ड ने जारी किया शेड्यूल, यहां देखिए पूरा रूटीन। नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिहार के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में बनेंगे लेक्चरर। कोरोना रिटर्न्स अलर्ट, होली पर बाहर से घर आने वालों की होगी टेस्टिंग, मास्क पहनना फिर से जरूरी। नीतीश सरकार ने विश्वविद्यालयों की ताकत घटाई, अब प्राचार्य और तृतीय वर्ग के कर्मियों की नियुक्ति नहीं कर पाएंगे। पटना में क्वारंटाइन सेंटर फिर से शुरू, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनेगा, एयरपोर्ट पर उतरते ही लगेगी वैक्सीन। 21 तारीख को फैसला लेंगे सीएम नीतीश, बोले बाहर से आने वाले कई लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इंटर पास के लिए बिहार में नौकरी पाने का मौका, बीपीएससी में एलडीसी के लिए इस दिन से भरे फॉर्म। बिहार में अब मीटर रीडर नहीं आने पर भी उपभोक्ता बना सकेंगे अपना बिल, बिजली कंपनी ने जारी किया मोबाइल ऐप। बिहार पंचायत चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने सभी मुखिया को दे दिया ये अधिकार, बड़ी झंझट भी खत्म। बिहार पंचायत चुनाव में शिक्षकों की भी लग सकती है ड्यूटी, जाने सभी जिलों को क्या दिया गया निर्देश। अब खबरें विस्तार से। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड की विशेष परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि अगले महीने 6 अप्रैल से 10 अप्रैल तक डीएलएड की विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दो पालियों में परीक्षा ली जाएगी, पहली सीटिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी सीटिंग दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक डीएलएड के विशेष परीक्षा का एडमिट कार्ड बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर 24 मार्च से उपलब्ध रहेगा। संबंधित कॉलेजों के प्रिंसिपल पहले से उपलब्ध कराए गए यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर संस्थान के छात्र छात्राओं का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। बिहार बोर्ड ने कहा है कि प्रिंसिपल एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर और मुहर लगाकर ही परीक्षार्थियों को देंगे। गौरतलब हो कि संबद्धता प्राप्त निजी प्रशिक्षण महाविद्यालयों के संशोधित सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके प्रशिक्षुओं और निजी प्रशिक्षण महाविद्यालयों के सत्र 2017-19 की आयोजित परीक्षा में अनुपस्थित अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए इस विशेष परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत अर्हताधारी नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नियोजित शिक्षक भी अब बिहार के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में लेक्चरर बन सकते हैं। पटना हाईकोर्ट ने याचिका का निष्पादन करते हुए 60 दिनों में रिजल्ट प्रकाशित करने का आदेश दिया है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत अर्हताधारी नियोजित शिक्षक भी अब बिहार के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में लेक्चरर बनेंगे। पटना उच्च न्यायालय में दायर याचिका CWJC 22/700/2018 के निष्पादन करते हुए न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग नियमावली 2014 और विज्ञापन संख्या 06/2016 के अनुरूप नियोजित शिक्षकों को इस पद पर नियुक्ति हेतु वैध ठहराते हुए अपने दलील को पेश किया, जिसे कोर्ट भी सहमत हुआ। कोरोना की वापसी ने बिहार सरकार को अलर्ट मोड पर ला दिया है। कोरोना से बचाव की सतर्कता के तहत राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य के सभी पंचायतों में स्थित गांव में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की कोरोना टेस्टिंग की जाएगी। सरकार की नज़र खासतौर पर महाराष्ट्र, केरल और पंजाब से आने वाले लोगों की पहचान कर उनकी कोरोना जाँच कराने का फैसला किया गया है। इसके लिए प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से लोगों की जाँच के लिए टीम जाएगी। दूसरे राज्यों से आने वाले लोग PHC में भी अपनी कोरोना जांच करा पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों के अतिरिक्त बसों और अन्य साधनों से भी लोग होली के मौके पर घर पहुंचेंगे। ऐसे में विभाग ने कोरोना के लक्षण वाले लोगों की जांच कराने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र, केरल और पंजाब से आने वाले लोगों की विशेष पहचान की जाएगी, क्योंकि इन राज्यों में ही 87% कोरोना के मामले बढ़े हैं। प्रत्यय अमृत ने कहा है कि जिन लोगों ने कोरोना जांच करा रखी है, उन्हें कोरोना से बचाव के लिए जागरूक रखा जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के सिविल सर्जन को आशा और ANM के माध्यम से दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की पहचान करने और कोरोना लक्षण से प्रभावित लोगों की जांच कराने का निर्देश दिया है। बिहार में कई विश्वविद्यालयों की तरफ से की जा रही नियुक्ति में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर नकेल कसते हुए उनका दायरा सीमित कर दिया है। अब विश्वविद्यालयों से प्राचार्य और तृतीय वर्ग के कर्मियों की भर्ती का अधिकार छीन लिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मनमर्जी से जुड़े कर्मियों की बहाली नहीं कर सकेगा। विश्वविद्यालय के तरफ से अब कॉलेज के प्राचार्य भी नहीं
बनाए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए नियमावली में संशोधन किया है। अब कॉलेज में तृतीय वर्ग के कर्मियों की बहाली राज्य कर्मचारी चयन आयोग से की जाएगी। वहीं सरकारी कॉलेज के प्राचार्य की बहाली का अधिकार बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को दे दिया गया है। मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस नियमावली के संशोधन को हरी झंडी दे दी गई है। आपको बता दें कि साल 2019 में राज्य के अंदर विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया गया। 2020 में 4638 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए आयोग ने आवेदन भी लिया, लेकिन विश्वविद्यालय की चयन समिति से प्राचार्य की नियुक्ति को लेकर काफ़ी विवाद होता था। मगध विश्वविद्यालय के 70 प्राचार्य की बहाली का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था, इसीलिए अब सरकार ने इसमें बदलाव किया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए पटना जिला प्रशासन एक बार फिर से वायरस को लेकर सक्रिय हो गया है। पटना में 6 क्वारंटाइन सेंटर दोबारा शुरू कर दिए गए हैं। इनमें से 2 राजधानी क्षेत्र और बाकी 4 ग्रामीण इलाकों में हैं। राजधानी पटना के पाटलिपुत्र अशोका में 165 और सगुना मोड़ स्थित राधा स्वामी आश्रम में 60 बेड की व्यवस्था के साथ क्वारंटाइन सेंटर की शुरुआत कर दी गई है। इसके अलावा बाढ़ दानापुर पालीगंज अनुमंडल में भी क्वारंटाइन सेंटर चालू किए जा रहे हैं। होली के मौके पर बाहर से आने वाले लोगों को संक्रमित पाए जाने की आशंका को देखते हुए ऐसा किया गया है। पटना जिला प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला लिया है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में बैरिकेडिंग की व्यवस्था नहीं की जाएगी, बल्कि जहां भी मरीज मिलेंगे वहां बड़े बड़े स्पीकर और बैनर लगाए जाएंगे। इसमें लोगों की जानकारी मिल जाएगी कि यहां इलाका संक्रमित है। आज से पटना में सक्रिय मरीजों की इलाके की स्क्रीनिंग शुरू हो रही है, साथ ही साथ मास्क की चेकिंग अभियान भी शुरुआत हो रही है। इसके लिए पटना में 6 टीमें बनाई गई है। पटना के डीएम ने कहा है कि लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जाएगा। बुधवार को कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री समेत कई राज्यों के सीएम के साथ मीटिंग की। पीएम के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बाहर से बिहार आने वाले कई लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। विभिन्न राज्यों में पहले की तुलना में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। बिहार सरकार कोरोना को लेकर सतर्क है। होली के अवसर पर लोग विशेष तौर पर अपने घर जाते हैं, इसीलिए ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों को सचेत रहने की अपील करते हुए फिलहाल प्रदेश में कोरोना फैलने की रफ्तार तेज नहीं है, लेकिन इसके प्रति सरकार पूरी तरह से सजग है। सीएम नीतीश ने कहा है कि प्रस्तुतिकरण के माध्यम से कोरोना की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी गई है। जिन राज्यों में पहले की तुलना में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, वहां के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में अपने बातें रखे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोग सचेत हैं, बिहार में वैसी स्थिति अभी नहीं है, प्रतिदिन इसको लेकर हम लोग सजग हैं। बिहार में 12वीं पास लोगों के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने कार्यालय में रिक्त 24 लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 19 मार्च से शुरू हो जाएगी। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल निर्धारित की गई है। योग और इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए बीपीएससी के वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर ले सकते हैं। इससे अनारक्षित के 10, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3, अनुसूचित जाति के लिए 3, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 2 और पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 1 पद निर्धारित है। इसमें से 9 सीट विभिन्न वर्ग के महिलाओं के लिए आरक्षित है। बिहार के सभी शहरी इलाकों में ऐसे उपभोक्ता जिनको 2 माह तक बिजली बिल नहीं मिल पाता है, तो उन्हें अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उपभोक्ता खुद अपना बिजली बिल खुद तैयार कर सकते हैं। उसके लिए बिजली कंपनी ने सेल्फ बिलिंग मोबाइल ऐप बनाया है। इस मोबाइल ऐप को इस तरह से तैयार किया गया है कि उपभोक्ता अपना उपभोक्ता आईडी डालकर स्वयं अपने मीटर रीडिंग व मीटर का फोटो अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही ऐप में सभी जानकारी डाली जाएगी, उपभोक्ता का बिजली बिल बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे ऑनलाइन या काउंटर पर उपस्थित होकर उपभोक्ता जमा भी करा सकेंगे। फिलहाल पटना के सभी शहरी क्षेत्र में इस सुविधा का ट्रायल चल रहा है। आने वाले कुछ ही दिनों में इसे पूरे बिहार जिले में लागू करने की योजना बनाई गई है। बिहार पंचायत चुनाव से पहले राज्य की नीतीश सरकार ने ग्राम पंचायतों को खुशखबरी दी है। सरकार ने एक साथ 2 ऐसे फैसले लिए हैं जिससे बिहार के सभी मुखिया सहित सभी पंचायत प्रतिनिधियों को बड़ी झंझट खत्म होने वाली है। इसमें सबसे पहला तो ये है कि पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य अब ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराया जाएगा। पंचायती राज विभाग
पंचायत सरकार भवनों का निर्माण स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा नहीं कराया जाएगा, ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं निर्माण कराया जाएगा। पंचायती राज विभाग द्वारा 1435 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष जारी की गई है। इनमें से 770 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि इन पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य को गति प्रदान करने के लिए विभाग की ओर से सोमवार को 2,52,18,00,000 की राशि आवंटित की गई है। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। मतदान कर्मियों की अधिक आवश्यकता महसूस होने पर इस बार बिहार के शिक्षकों को भी ड्यूटी देनी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने सूबे के सभी प्रमंडल आयुक्त व सभी जिलों के जिलाधिकारी को यह निर्देश दिया है, जिसमें यह जिक्र किया गया है कि अपरिहार्य परिस्थितियों में इनकी तैनाती चुनाव के दौरान की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने सी प्रमंडलीय आयुक्त व सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी स जिलाधिकारी को यह निर्देश दिया है कि पंचायत चुनाव में अगर जरूरत महसूस हो तो शैक्षणिक संस्थानों में अध्यापन कार्य में लगे शिक्षकों को भी तैनात किया जा सकता है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।